हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन करने वाले हैं और उसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। इस लेसन को करने से पहले मुझे आप एक बात बताओ, यदि आप घर में बोर हो रहे हो तो आप क्या करते हैं? जी, मैं तो वीडियो गेम खेलता हूँ। और जी, मैं तो बैडमिंटन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती हूँ। फ्रेंड क्या होता है, क्या करता है? सर जी, फ्रेंड वो होता है जो हमारी हेल्प करे, हमारे साथ खेले। वेरी गुड, फ्रेंड हमारी हेल्प करता है, हमारे साथ खेलता है। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे ही फ्रेंड से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प भी करता है, आपके साथ खेलता भी है, बहुत सी चीज़ें करता है। तो आप मिलना चाहोगे ना? तो हम मिलते हैं एक ऐसे ही फ्रेंड से। बड़े ध्यान से इसको देखना, इसको सुनना और फिर अंत में ये आपसे उसका नाम भी पूछेगा, अपना नाम भी पूछेगा। तो देखते हैं कि ये कौन सा फ्रेंड है जो कि इतनी हमारी हेल्प करता है, हमारे साथ सब कुछ सहयोग करता है, खेलता भी है। तो शुरू करते हैं और ध्यान से इसकी बातों को आपको सुनना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका घनिष्ठ मित्र हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। मैं आपके लिए कई उपयोगी काम कर सकता हूँ। आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस। मैं कई कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपकी सारी जानकारी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन कीप योर अकाउंट्स। मैं आपके खाते रख सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। मैं आपकी किसी भी गणितीय समस्या को बहुत ही जल्दी हल कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। मैं सुंदर चित्र और इमारतों की डिज़ाइन बना सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एक्सेट्रा। मैं प्रिंट कर सकता हूँ पत्र, एप्लीकेशंस को, नोटिस को, रिपोर्ट्स को और संवाद आदि को। एंड ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन। और मैं कई अवसरों के लिए निमंत्रण कार्ड भी बना सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी। आप मुझ पर गेम्स खेल सकते हैं। यू कैन टेक टेस्ट्स। आप परीक्षा दे सकते हैं। एंड चेक योर आंसर्स ऑल बाय योरसेल्फ। और स्वयं ही उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट आई एम मेड अप ऑफ? क्या आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ का बना हूँ? द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द सीपीयू एंड द प्रिंटर आर माय मेन पार्ट्स। मॉनिटर
कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर मेरे मुख्य भाग हैं, अंग हैं। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड। मुझे कीबोर्ड और माउस से कमांड्स मिलती हैं। द सीपीयू इज माय ब्रेन। सीपीयू मेरा मस्तिष्क है। द सॉफ्टवेयर इज माय सोल। सॉफ्टवेयर मेरी आत्मा है। विदाउट इट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। इसके बिना मैं पूरी तरह असहाय हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर। मैं मॉनिटर पर अपना आउटपुट दिखाता हूँ। यू कैन प्रिंट द आउटपुट यूजिंग द प्रिंटर। आप प्रिंटर का उपयोग करके प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन हियर साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर। आप स्पीकर के माध्यम से साउंड आवाजें सुन सकते हैं। इन फैक्ट इवन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन यूज मी वेरी इफेक्टिवली एंड बिकम एफिशिएंट रीडर। यहाँ तक कि जो नेत्रहीन लोग भी हैं वो भी मुझे बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और एक कुशल पाठक बन सकते हैं। I am an important part of all the fields of activities these days. मैं इन दिनों गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। You can see me in shops, offices, banks, hotels, hospitals, schools, colleges, post offices, railway stations, bus stands, seaports, airports, and many other important places. आप मुझे दुकानों पर, कार्यालयों में, बैंकों में, होटलों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पोस्ट ऑफिसेस में, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर, समुद्री बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर देख सकते हैं। वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउस। जल्द ही आप मुझे हर एक घर में देख सकेंगे। व्हाट्स माय नेम? मेरा नाम क्या है? आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ। कैन यू गैस हु आई एम? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कौन हूँ? फ्रेंड्स, आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर। दोस्तों, मैं और कोई नहीं बल्कि कंप्यूटर हूँ। आपने बड़े ध्यान से कंप्यूटर की बातों को, अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों को सुना है। बच्चों, इस लेसन को करते करते कई कठिन शब्द, कई डिफिकल्ट वर्ड भी आए हैं, तो हम जो है बड़े ध्यान से उनको देखते हैं और उनके मीनिंग जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, पहला वर्ड है परफॉर्म, यानी के टू डू, यानी कार्य करना। नेक्स्ट है फंक्शंस, यानी एक्शंस अर्थात काम। नेक्स्ट है कमांड्स, यानी
इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश। नेक्स्ट है सोल यानी कि स्पिरिट अर्थात आत्मा। नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड अर्थात दृष्टि बाधित। नेक्स्ट है आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन। नेक्स्ट है एफिशिएंट यानी कैपेबल अर्थात कुशल। नेक्स्ट डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट अर्थात यंत्र या उपकरण। वर्ड मीनिंग आपने कर लिए हैं, आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, फिर बताना है कि वो स्टेटमेंट्स सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो बड़े ध्यान से देखो, सुनो, समझो और फिर उनके आंसर्स करने हैं। तो शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टी इन द बुक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट है, कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। यानी कंप्यूटर सुंदर तस्वीरें और बिल्डिंग्स के डिज़ाइन नहीं ड्रॉ कर सकता। क्या यह है ट्रू है या फॉल्स है? सर ये तो फॉल्स है, कंप्यूटर कर सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन। यानी कंप्यूटर सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता है। यस सर, कर सकता है, ट्रू। वेरी गुड, ये ट्रू है, कंप्यूटर सभी काम कैलकुलेशन के कर सकता है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कीबोर्ड होता है। सच्ची झूठ, गलत है, फॉल्स है, कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू होता है। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। क्या? यस सर, यस कर सकते हैं। शाबाश, कंप्यूटर का प्रयोग ब्लाइंड पीपल अच्छे से प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटर प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट। कि प्रिंटर जो हैं प्रिंटेड कॉपी निकालता है। क्या ये बात सच है, सही है, ट्रू है या फॉल्स है? सर जी ये तो बिल्कुल ट्रू है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपने ट्रू फॉल्स भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए हैं। बच्चों मेरे हिसाब से आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उनके आंसर्स करने हैं। लेसन से ही आपके क्वेश्चंस हैं, इधर उधर कहीं से नहीं है, आपने बस ध्यान से उनको सुनना है और एकदम से आपको आंसर्स आ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर के किस भाग को, किस पार्ट को हम कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क कहते हैं, बता सकता है कोई? शाबाश,
Yes, sir. CPU is called the brain of computer. शाबाश. CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. नेक्स्ट है, विच लाइन इन द लेसन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ. कौन सी लाइन इस पाठ के अंदर ऐसी है जो कंप्यूटर हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा हमें दर्शाती है? बता सकता है कोई? सर जी मैं बता सकता हूँ. एक लाइन आई थी, आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन. शाबाश, ये वो लाइन थी जिसे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की आत्मा क्या है, बता सकता है कोई? Yes, sir. Software is the soul of computer. Very good. Software कंप्यूटर की आत्मा है. Next question है, What is the function of a printer? Printer का क्या कार्य होता है? क्या काम करता है प्रिंटर? शाबाश, बताओ. सर जी, We can take out the print of computer output with the help of printer. Very good. बहुत ही बढ़िया. Next question है, How is computer your friend? बच्चों, computer आपका मित्र किस प्रकार से है? बताओ. Sir ji, because it helps us in every field of our life. Very good. क्योंकि यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है, इसलिए यह हमारा मित्र है. बच्चों, एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, आओ उसे भी करते हैं, जिसमें हमने कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है. तो Now complete the following sentences using can or cannot. तो आपने can और cannot का प्रयोग करना है सोच समझ के. पहला है, computer dash store all the information. computer सभी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है या नहीं कर सकता है, बता सकता कोई? सर जी, कर सकता है. कैन आएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं, शी इज वीक इन मैथमेटिक्स. वह गणित में कमजोर है. शी डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वह डैश सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम. अब बताओ, कैन आएगा या कैन नॉट आएगा? सर जी, कैन नॉट आएगा. वेरी गुड. क्योंकि सेंटेंस पूरा तभी अच्छे से बनेगा कि वह गणित में कमजोर है, इसीलिए वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती. कैन नॉट. नेक्स्ट है, द माउस ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का माउस डैश रन लाइक द माउस दैट रन्स अराउंड आवर हाउस. तो अब इसमें कैन भरेंगे या कैन नॉट भरेंगे, बता सकता है कोई? यस सर, कैन नॉट भरेंगे. वेरी गुड. क्योंकि कंप्यूटर का माउस और वह घर वाले माउस से जैसे नहीं दौड़ सकता, इसलिए इसमें आएगा कैन नॉट. नेक्स्ट है, कंप्यूटर डैश वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट. कि कंप्यूटर रोबोट की तरह चल और बोल सकता है या नहीं सकता, तो इसमें क्या आएगा? सर जी मैं बताऊं, कैन नॉट. वो कंप्यूटर चल थोड़ा ना सकता है. शाबाश, तो इसमें आएगा कैन नॉट. नेक्स्ट है,
वी डैश सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्विकली यूजिंग ईमेल। हम विश्व के किसी भी भाग में ईमेल के जरिए जल्दी से अपने मैसेज भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? सर जी भेज सकते हैं, कैन। शाबाश, तो इसमें आ जाएगा कैन। नेक्स्ट है, ही इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, वह कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। ही डैश हैंडल ऑल काइंड ऑफ टास्क, वह सभी प्रकार के कार्यों को कर सकता है या नहीं कर सकता? सर जी कर सकता है, कैन आएगा। वेरी गुड, तो इसमें आ जाएगा कैन। नेक्स्ट है, आई डैश सर्व यू टी बिकॉज देर इज नो मिल्क, मैं आपको दूध ना होने की वजह से चाय सर्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अब बताओ इसमें क्या आएगा? सर जी कैनॉट। हाँ, क्योंकि दूध नहीं है इसीलिए मैं आपको चाय सर्व नहीं कर सकता, तो इसमें आ जाएगा कैन नॉट। लास्ट है, रहीम डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, रहीम इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है। बताओ इसमें सकता है या सकता नहीं आएगा? सर जी दोनों ही आ सकते हैं, कैन कर लेते हैं। शाबाश, तो इसमें हम कह देते हैं कैन, रहीम अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। बच्चों आपने सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स कर ली, मुझे लगता है कि अब आप कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। बच्चों कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हमारे आज के जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए हो चुका है। तो लेसन आपको समझ में आ गया है, आपने घर जा कर के दोबारा इसे रिवाइज करना है, इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना है। आपने बड़े ध्यान से इस लेसन को सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।